सांसद हैं एसपी हसन ने असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि 18 जनवरी से जो मुसलमान हैं वो ट्रेनों में सफर नहीं करेंगे क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। तो देखिए बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, बड़ी खबर इस वक्त की और आशंका उन लोगों ने ये जताई है कि 22 तारीख को मुसलमानों के साथ मारपीट किया जा सकता है, दंगा हो सकता है। एसटी हसन ने कहा कि एहतियात जरूरी है क्योंकि बसों और ट्रेनों में कुछ सिरफिरे लोग चलते हैं, दाढ़ी वाले मुसलमानों को ट्रेनों को टॉर्चर करने के मामले पहले भी सामने आ गए, इसीलिए सचेत रहने का। देखिए एक तरीके से भड़काऊ बयान ये जारी किया है, अपने समुदाय को किस तरीके से भड़काने का काम ये तमाम मुस्लिम नेता करते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ एहतियात जरूरी है क्योंकि कुछ सरफिरे लोग बसों में ट्रेनों में चलते हैं और आज भी ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि दाढ़ी वाले मुसलमानों को टॉर्चर किया गया है ट्रेनों के अंदर भी बसों के अंदर भी। तो ऐसा काम क्यों करें जिससे कि अपनी बेइज्जती हो।